सब्सक्राइब कीजिए मोनिकाज किचन को और साथ में इस बेल को भी दबाइए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका त्यागी है और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले मटर पनीर की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ पनीर लाहौरी की रेसिपी शेयर की थी जो कि आप लोगों को काफी पसंद आई थी, तो इसी तरह से आपको आज की ये रेसिपी भी बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आप रेस्टोरेंट जाकर या फिर शादियों में ये मटर पनीर की सब्जी खाना पसंद करते हैं तो प्लीज आप एक बार इसे जरूर घर पर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट मटर पनीर की सब्जी। आइए सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे मैंने चकोर शेप में काट लिया है। ये होममेड पनीर है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप मटर लिए हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है इसलिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए गैस पर उबाल लिया है। आप चाहें तो इसके लिए फ्रोजन मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने लंबी शेप में काट लिया है। 2 बड़े साइज की प्याज इसे भी मैंने लंबी शेप में काट लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ और साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 8 से 10 कलियां लहसुन छिली हुई। 1 बड़ी इलायची जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है। 2 हरी इलायची इसे भी मैंने बीच से तोड़ लिया है। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपात, 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छील कर और लंबी शेप में काट लिया है। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला लिया है। रेस्टोरेंट में या फिर शादियों में जो भी सब्जियां बनाई जाती है पनीर की, तो उसके लिए इस मसाले का जरूर इस्तेमाल करते हैं वो लोग। आप चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है। ये तीखी कम होती है और सब्जी को कलर काफी अच्छा देती है। तीखा आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैं तवे पर डालकर हल्का सा रोस्ट कर लूंगी और उसके बाद मैं इसको सब्जी के अंदर ऐड करूंगी तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इससे आएगा। 2 बड़े चम्मच फ्रेश दही, दही को मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। दही को आप इसके अंदर अच्छे से फेंट कर तभी ऐड कीजिए। और यहाँ पर मैं इसके लिए 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करूंगी। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। रेस्टोरेंट में या फिर शादियों में जो भी सब्जियां बनाई जाती है तो उसमें तेल थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप मेरी सभी रेसिपीज देखना चाहते हैं इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे सैरो पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, आपको एक लिंक नजर आएगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी सभी रेसिपीज को आसानी से देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम सब्जी की ग्रेवी की सामग्रियां तैयार करेंगे। उसके लिए गैस ऑन करके मैंने अपना पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हम यहाँ पर ये 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और जैसे ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम यहाँ पर ये तेजपात डाल देंगे, साथ ही में ये बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और ये लहसुन और अदरक डाल देंगे। अब इन सभी को हम करीब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सोते कर लेंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट इसे भूनने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पर ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज को भी हम इन सबके साथ थोड़ा लाइट पिंक होने तक भूनकर तैयार कर लेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो करीब 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट के अंदर हमारी जो प्याज है वो अच्छी लाइट पिंक हो चुकी है, बस इससे ज्यादा गोल्डन हम इसे नहीं करेंगे। और अब इसके अंदर ये कटा हुआ टमाटर डाल दें, साथ ही में ये 2 हरी मिर्ची डाल देंगे हम और इसके ऊपर से हम नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नमक डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा मीडियम से कम कर लिया, यानी मीडियम लो के बीच रखा है। और बीच बीच में आप 1-2 बार टमाटर को चला जरूर दें ताकि टमाटर है वो पैन के नीचे ना चिपक जाए। और जैसे ही टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
और जैसे ही ये सभी सामग्री अच्छे से ठंडी हो जाए तो हम इससे यहाँ पर ये तेजपात और बड़ी इलायची को अलग कर देंगे, क्योंकि हमें इसे सबको ग्राइंड करना है और तेजपात और बड़ी इलायची इसमें अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगी। तो अब हम इसे एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल लेंगे और इसका हम एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब सब्जी बनाने के लिए गैस ऑन करके मैंने अपना पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम ये 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। सबसे पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए, उसके बाद हम इसके अंदर ये जीरा डाल देंगे। और जीरा डालने से पहले आप गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए और लो फ्लेम पर हम इस जीरे को हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेंगे। मसालों को भूनते हुए आप हमेशा गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए। और अब लो फ्लेम पर ही मैं इसके अंदर यहाँ पर ये हल्दी का पाउडर डाल दूंगी, लाल मिर्ची पाउडर, और इनको हल्का सा मिक्स करेंगे करीब 15 सेकेंड के लिए। और तुरंत ही हम इसके अंदर ये पेस्ट डाल देंगे टमाटर का। तो इस पेस्ट को डालने के बाद एक बार अच्छे से मिला लें और इसे 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब यहाँ पर इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार इसे अच्छे से चला लें। और इसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर ये मसाले ऐड करेंगे। तो धनिया पाउडर डाल दें, जीरा पाउडर डाल दें और साथ ही में ये किचन किंग मसाला डाल दें। अब इन मसालों को भी इसके साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम पैन का ढक्कन कवर करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। हमें इसे तब तक पकाना है तब तक कि मसालों से तेल सेपरेट ना होने लगे। और बीच बीच में आप एक दो बार ढक्कन हटाकर इसे जरूर चला दें। इसे कवर करके पकाने से सभी मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी के अंदर से आएगी। मसालों को पकाते हुए मैंने गैस का फ्लेम मीडियम लो के बीच में रखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मसालों से तेल एकदम सेपरेट हो चुका है। तो दही को इस तरीके से अच्छे से फेंट लीजिए और उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर ये दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने से पहले आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए और दही डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे तब तक कि इसके अंदर दोबारा से हल्का सा उबाल ना आ जाए। अगर आप इसे चलाना बंद कर देंगे तो आपकी दही जो है वो बिल्कुल फट जाएगी। और इसे हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना होगा। अब आप देख सकते हैं दही बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो चुकी है, मसाला भी अच्छे से पक कर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ये मटर डाल देंगे। अगर आप इसके अंदर फ्रेश मटर डालते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा उबाल कर डालें, और अगर आप इसके अंदर फ्रोजन मटर डालते हैं तो ऐसे ही आप यहाँ पर इसके अंदर ये फ्रोजन मटर डाल सकते हो। तो मिला लेंगे मटर को इसके साथ अच्छे से। और अब पैन को कवर करके हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि सभी मसालों का फ्लेवर मटर के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं कि इसके अंदर तुरंत पानी डाल देते हैं तो इससे हमारी सब्जी का जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आ पाता। और 2 मिनट हो चुके हैं तो 2 मिनट के बाद एक बार इसको अच्छे से चला लेंगे। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये पानी ऐड करूंगी। तो पानी मैंने इसके लिए यहाँ पर टोटल 1.5 कप लिया है। मिला देंगे पानी को इसके साथ में अच्छे से। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप गाढ़ी ग्रेवी बनाइए, या फिर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप पतली ग्रेवी बना सकते हैं। और अब हम इसमें यहाँ पर ये थोड़ा नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने टमाटर को पकाते हुए भी नमक इसके अंदर ऐड किया था। और नमक को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जैसे इसके अंदर उबाल लग जाए उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर ये पनीर डाल देंगे कटा हुआ। 200 ग्राम पनीर में से मैंने थोड़ा सा पनीर यहाँ पर अलग से ग्रेट करके रखा हुआ, यानी कद्दूकस करके रखा हुआ है। अब पनीर को इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम पैन को कवर करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। पनीर को इसके अंदर कद्दूकस करके डालने से क्या होगा कि हमारी जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी आती है। तो अगर आप चाहें जैसे हमने टमाटर को इसके अंदर ऐड किया था उसी समय आप इसके अंदर 4 से 5 काजू डाल सकते हो, उससे भी ग्रेवी की थिकनेस अच्छी आती है, साथ ही इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। एक दो बार ढक्कन हटाकर आप इसे बीच बीच में जरूर चला दें। आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर काजू पीस कर डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें उसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन लीजिए, उसे घी में भून कर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उससे आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी थिक बनेगी, टेस्ट भी अच्छा आता है इस सब्जी का। ये देखिए यहाँ पर मैं ये ग्रेट किया हुआ पनीर इसके अंदर डाल दूंगी। साथ ही में मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा तवे पर सेक लिया है और इस तरीके से हाथों से रफ करके इसके अंदर डाल देंगे।
और अब इसके ऊपर से हम थोड़ी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बहुत ही स्वादिष्ट एकदम यम्मी हमारी ये गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।